हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने आसान तरीके से किस तरह से आप एक जेंट स्वेटर बना सकते हो। हाफ स्लीव वाला वी गले वाला स्वेटर मैं बना रही हूँ, जिनका पेट हल्का सा मोटा है एंड उनका हाइट 5'3" है, तो उनके लिए मैं 5'3" 5'4" तक है उनके लिए ये स्वेटर बना रही हूँ। तो इसका मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर डाला हुआ है, अराउंड 3 इंच का बॉर्डर डाला है। ये बॉर्डर की बुनाई जो है 3 इंच का मैंने बॉर्डर डाल दिया है। तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, ये डबल बॉर्डर है, फ्लेक्सिबल है। आप अगर नज़दीक से देखोगे तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से कंटिन्यूस दिखेगा, और ये जो बॉर्डर है बहुत ही सुंदर दिखता है एंड ये फ्लेक्सिबल डबल बॉर्डर बनाया जाता है। तो इसको किस तरह से आप आसान तरीके से बना सकते हो, ऑलरेडी इसका अलग सा वीडियो मेरे चैनल पे है। 2 मेथड्स में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आपको कौन सा मेथड आसान लगे उसी मेथड में आप ये बॉर्डर डाल सकते हो, दोनों भी इसी तरह से आ जाएंगे। तो उस मेथड से मैंने यहाँ पर फंदे डाले हुए हैं। ये ऊल मैं बता देती हूँ, 10 नंबर का ये नीडल लिया है मैंने, 10 नंबर नीडल बॉर्डर के लिए एंड जो बॉर्डर के ऊपर 9 नंबर का नीडल मैंने यूज़ किया हुआ है बॉर्डर के ऊपर के लिए, लेकिन बॉर्डर के लिए 10 नंबर नीडल। सो यहाँ पे ऊल है, ये ओसवाल का जस्ट 2 प्लाई का हल्का मोटा है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। तो ये इस तरह से ऊल है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फंदे डाले हुए हैं, 112 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो अगर आप चाहे तो बॉर्डर किसी अलग मेथड से भी यहाँ पे आप डिज़ाइनर फंदे कुछ भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होता है इसीलिए मैंने इस तरह के ये बॉर्डर में डाला हुआ है। आपके पसंद का कोई भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक उल्टा एक सीधे का मैंने बुनाई की है। तो 3 इंच का बॉर्डर होने के बाद सो यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। तो बॉर्डर के बाद यहाँ पे हमने टोटल 8 फंदे बढ़ा के 120 फंदे कर लिए हैं ऊपर, 112 यहाँ पे बॉर्डर पे प्लस 8 यहाँ पे बढ़ा के टोटल 120 करा दिए हैं। तो यहाँ पे कैसे बढ़ाना है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। उस बॉर्डर का वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नीचे दे दे रही हूँ, आप चेक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे एजेस पे कभी भी नहीं बढ़ाइएगा, आप यहाँ पे बढ़ाना है 2 2 2 2, इस तरह से आपको इक्वल बढ़ाने हैं। आपको सीधा बुनाई करनी है। अब बॉर्डर हमारा फिनिश हो गया है, जो यहाँ पे वी नज़र आ रहा है, इस वी के अंदर से इस तरह से आप एक फंदा निकाल सकते हो, इस तरह से, इस तरह से दिखेगा भी नहीं, एक फंदा उठ गया। कुछ दूर बाद अगेन हम दूसरा फंदा उठाएंगे, यहाँ पे फिर और एक फंदा, ये जो यहाँ पे ये वाला राइट लेग हमें नज़र आता है, तो नीचे के फंदे के यहाँ से इस तरह से ये दूसरा फंदा, कुछ दूर बाद अगेन हम इसी तरह से 8 फंदे उठा लेंगे। तो यहाँ पे ये तीसरा, कुछ दूर मैंने बुन लिया है, तो यहाँ पे चौथा फंदा, तो ये चौथा फंदा, इसी तरह से हम 8 फंदे उठा लेंगे। मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो इस पार्ट में मैंने 4 फंदे यहाँ पे उठा लिए हैं, अब ये सेंटर में छोड़ के यहाँ से लेकर इस फंदे तक 4 फंदे आप इक्वली डिवाइड भी कर सकते हो, 1 2 3 4, इस तरह से आप इक्वली डिवाइड करके 8 फंदे बढ़ा लीजिएगा।
तो यहाँ पे मैंने 8 फंदे उठा लिए हैं, 120 फंदे हो गए हैं, ये राइट साइड है। ये मैं ऑलरेडी बैक पार्ट का यहाँ पे बुन के मैंने आर्म होल की मेजरमेंट तक मैंने यहाँ पे बुन लिया है। तो फ्रंट पार्ट का मैं बॉर्डर बना रही हूँ। तो यहाँ पे सीधी बॉर्डर बनाने के बाद ये फंदे हमने बढ़ा लिए 8 फंदे, तो टोटल 120 फंदे, 120 फंदे हो जाते हैं। तो उसके बाद ये रॉन्ग साइड रो है, रॉन्ग साइड पर हम पूरा ये उल्टा बुन लेंगे। एज स्टिच हमेशा उतार लीजिएगा। तो यहाँ पे उल्टी बुनाई हमने पूरा उल्टा करना है, तो पर्ल ऑल। तो यहाँ पे ये सारे स्टिचेस हमने पर्ल ऑल करने हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जो 10 नंबर के बॉर्डर है, 10 नंबर के बॉर्डर होने के बाद आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से ये बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद 9 नंबर सिलाई लगा के आप ये स्टार्ट कीजिएगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 9 नंबर की सिलाई से मैंने ये ऊपर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो रिजेस आप देख रहे हो, इस तरह से आप प्लेन भी बुन सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो 10-10 का डिवाइड किया है, तो 9 हमने 9 स्टिचेस सीधे बुना है और 10th स्टिच उल्टा, फिर 9 स्टिच सीधे और 1 स्टिच उल्टा। इस तरह से बुनने के बाद ये हमें एक रिज का इफ़ेक्ट मिलता है, जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत इस तरह से एक पैटर्न का आपको मिल जाता है। और ये डाल सकते हो या आप प्लेन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे 9 सीधे 1 उल्टे का मैंने डालते हुए आर्म होल की कटिंग तक, लंबाई तक मैंने कंप्लीट कर ली है बुनाई। तो इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आपको। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से लेकर ऊपर तक आर्म होल की कटिंग तक टोटल मैंने यहाँ पे 17 इंच, ये 17 इंच तक मैंने ये आर्म होल की कटिंग तक मैंने बुन लिया है। अब हम आर्म होल की घटाई करेंगे। तो इसके लिए हमें, तो आर्म होल की जितना लंबाई है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पर्सन के कितना हाइट है, तो उसके हिसाब से ही आप कर सकते हो। तो जो मुझे 5'3" है, उनके लिए ये 17 टोटल, और यहाँ से यहाँ तक आर्म होल तक 17 इंच की लंबाई परफेक्ट है, तो मैंने उतना ही रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे सीधी तरफ आ गए हैं, तो सीधी तरफ हम घटाई करेंगे। ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टिच है, इनको दोनों को उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे एक घट गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लीजिएगा, इसको हल्का ढीला रखिएगा। एक, दो, फिर वापस डाला, तीन, और यहाँ पे ये 4। यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा लिए हैं। अब ये जो हमारा पैटर्न चल रहा है, वही हम कंटिन्यू रखेंगे। जो ये बाकी के जो सीधे बुनने हैं, सीधे बुनने हैं। जो ये उल्टा दिख रहा है, तो उल्टे के ऊपर हमने उल्टा ही बुनना है। तो अगेन 9 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये जो 10th स्टिच है, इसको उल्टा। इसी तरह से ये एंड तक सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सीधी बुनाई कंप्लीट हो गई है। तो रॉन्ग साइड पे हैं, रॉन्ग साइड पे भी हमें 4 फंदे घटाने हैं। इसके लिए ये फर्स्ट 2 स्टिचेस जो है, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे ढीला छोड़ना ना भूलिएगा, थोड़ा सा स्टिच। ये घट गया, ये 2 और ये 3 और ये 4। यहाँ उल्टी साइड पे भी हमने 4 फंदे घटा लिए हैं। अब जो हमारा पैटर्न है, चलता जाएगा लास्ट एक स्टिच बचने तक, जो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, तो इसको सीधा बुनेंगे। और जो भी पैटर्न अगर आपने डाला है, तो पैटर्न के हिसाब से आप ये घटाई करते जाना है। ये पूरा रॉन्ग साइड में कंप्लीट कर लूँगी। ये जो उल्टी बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है, तो लास्ट एक स्टिच यहाँ पे बचा हुआ है लास्ट पे, तो इसको हम धागा आगे की तरफ लेंगे और इस स्टिच को वापस राइट नीडल पे ले लेंगे।
और अगेन राइट साइड पे आ गए हैं। पहले हमने यहाँ पे 4 फंदे घटाए थे, अब यहाँ पे हम 2 फंदे घटाएंगे। इस तरह से आप स्टिच बिना बुने जो लास्ट स्टिच उतारते हो इससे आपको सीट की जैसी ये कटाई नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ आती है। तो यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे वापस ले लिया और फिर 2 का 1 करेंगे, तो यहाँ पे 2 फंदे घट गए हैं। तो जो पैटर्न है वो सीधी बुनाई चलती जाएगी सीधी तरफ पैटर्न के हिसाब से। ये रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सीधी तरफ यहाँ पे 2 फंदे हमने घटा लिए हैं, लास्ट स्टिच बचा हुआ है, तो इसको हम इसी तरह से उतार लेंगे बिना बुने राइट नीडल पे, फिर घुमा लिया और रॉन्ग साइड पे भी हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टिच है और ये सेकेंड स्टिच, दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। 1 घट गया, फिर वापस डाला और अगेन ये दूसरा, इस तरह से हमने 2 फंदे घटा लिए हैं। तो ये जो रॉन्ग साइड का पैटर्न है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे रॉन्ग साइड। तो इसी तरह से हम इसको बढ़ाते हुए ये लास्ट स्टिच बचने तक हम रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट तक आ गए हैं, तो धागा हम पीछे रखेंगे और इस स्टिच को बिना बुने राइट नीडल पे स्लिप कर लेंगे और घुमा लिया। पहले हमने 4 और यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए, अब हम 1 फंदा घटाएंगे इधर। जस्ट आप देख सकते हो ये इस तरह से नीट से आएगा, कहीं पे भी आपको सीढ़ी नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे 1 फंदा हम घटा लेंगे और ये सीधी तरफ की बुनाई कंप्लीट कर लेंगे हम। ये सीधी तरफ की बुनाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सीधी तरफ की बुनाई कंप्लीट हो गई और लास्ट 1 स्टिच है, तो ये धागा पीछे की तरफ है। तो ये वापस हमने राइट नीडल पे स्लिप कर लिया लास्ट स्टिच और घुमा लिया और यहाँ पे रॉन्ग साइड पे भी हमें 1 फंदा घटाना है। तो 2 का 1 हमें उल्टा बुन लेंगे और जो हमारा रॉन्ग साइड का पैटर्न है यहाँ पे भी हम पैटर्न के हिसाब से हम बुन लेंगे। ये रॉन्ग साइड का बुनाई भी कंप्लीट हो जाएगा। रॉन्ग साइड से ये सारी बुनाई कंप्लीट हो गई है और 1 स्टिच बचा है, तो धागा हम पीछे लेंगे और 1 स्टिच वापस राइट नीडल पे ले लेंगे। तो वापस राइट साइड पे आ गए हैं हम सीधी बुनाई पे। तो अगेन यहाँ पे और 1 फंदा हम घटाएंगे, यहाँ पे टोटल 4 2 1 1 इस तरह से मैंने घटाया है। क्यों मैं इस तरह से घटा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ ये घटाई पूरा होने के बाद। तो ये राइट साइड से हम कंप्लीट कर लेंगे बुनाई। यहाँ पे राइट साइड की बुनाई सीधी हो गई है, तो कंप्लीट लास्ट 1 स्टिच बचा है, धागा पीछे है, तो ये स्टिच उतार लेंगे। तो वापस रॉन्ग साइड पे आ गए हैं और यहाँ पे भी 1 फंदा हम इस तरह से घटा देंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे हम टोटल घटाया है 4 2 1 1 इस तरह से टोटल हमने 8 स्टिचेस दोनों तरफ 8 स्टिचेस हमने बंद कर दिए हैं। तो ये हमारा आर्म होल की कटिंग आप देख सकते हो, कहीं पे भी आपको सीढ़ी नहीं नज़र आ रही है। तो सीधी इस तरह से आपको फाइन फिनिशिंग के साथ आर्म होल कटिंग हो जाती है। जब आप फंदे उठाते हो तो आपको बहुत आसानी लगती है और यहाँ पे
उबड़ खाबड़ भी नहीं आता है, तो ये रॉन्ग साइड हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। जब आप यहाँ पे डिफरेंस कैसे होता है, ओल्ड में हम पहले की बुनाई में आर्म होल की कटिंग जो है हम थोड़ा सा इस तरह से डीप लेते थे, जब हम 5 4 3 2 1 इस तरह से घटाई होती थी, 5 4 3 2 1 इस तरह से घटाई हुआ करती थी, जो हल्का सा डीप आता था, या लेटर ऑन हल्का सा फिर कम करके 5 3 2 1 इस तरह से भी घटाई होती थी। अगर मेरे हिसाब से अगर आप फुल स्लीव का स्वेटर बना रहे हो तो आप 5 4 3 2 1 या 5 3 2 1 इस तरह की घटाई कीजिएगा, इससे आपको आर्म में अच्छा खासा फिटिंग आ जाता है। अगर आप हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस स्वेटर जो बनाना चाहते हो जेंट्स के लिए, तो ये शैलो कटिंग होता है जहाँ पे हम ओनली 4 2 1 1 4 2 1 या 4 2 1 1 इस तरह से हम घटाई करेंगे, तो ये शैलो कटिंग आता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता और पहनने के बाद अच्छा भी लगता है। तो ये न्यू पैटर्न में हम न्यू अभी लेटेस्ट इसी तरह से कटिंग की जाती है। तो आप इनमें से अगर फुल स्लीव बनाना चाहते हो तो इस तरह या इस तरह घटाई कीजिएगा, अगर आप हाफ स्लीव या स्लीवलेस स्वेटर बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप घटाई कीजिएगा। टोटल हमने यहाँ पे 8 फंदे दोनों तरफ मिला के 8 8 फंदे हमने फंदे बंद करना है। तो ये डिफरेंस होता है इस तरह की घटाई में। अब यहाँ पे हम 4 2 1 1 की घटाई होने के बाद अब आर्म होल की घटाई से लेकर 9 इंच तक अराउंड आपके जिसके जिसके लिए भी आप बुनना चाहते हो उनके लिए आप जो भी दिखता है इस तरह से यहाँ से आप जहाँ से आपका आर्म होल कटिंग हुआ है वहाँ से आप आराम से 9 इंच तक आपको सीधी बुनाई बुनते जाना है कंप्लीट नेक के नेक तक। बैक्स जो नेक में 1 2 सिलाई बच जाते हैं तब तक 9 इंच पूरा होने में तब तक आपको बुनना है, जस्ट 2 सिलाई बचने तक जो है 2 सिलाई पहले हमें बैक नेक की घटाई करनी होती है। तो ये मैं अराउंड 9 इंच तक मैं बुन लूँगी सीधी सीधी। अब कोई घटाव हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये आर्म होल के कटिंग के बाद हमने सीधा बुन लिया है। तो आर्म होल के यहाँ पे कटिंग से लेकर यहाँ तक ये 9 इंच के 9 1/2 इंच तक हो गया है ये। अब यहाँ पे हम बंद कर रहे हैं, इतना हमें 9 या 9 1/2 या 10 इंच तक आप रख सकते हो अपने हिसाब से देख के। तो यहाँ पे मैं अराउंड नियर 9 1/2 इंच से थोड़ा ऊपर है तो यहाँ पे हमें बंद करना है। तो इतना अब अपने हिसाब से एटलीस्ट 9 तो रखना ही है आपको। तो इतना होने के बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल 120 स्टिचेस थे। तो यहाँ पे हम 4 2 1 1 4 2 1 1 इस तरह से दोनों तरफ हमने 4 2 1 1 की घटाई, 8 इधर 8 इधर 8, टोटल 16 स्टिचेस हमने दोनों मिला के घटा लिए हैं। 120 में हमने 16 स्टिचेस घटा दिए तो हमारे पास यहाँ पे बचे हैं 104 स्टिचेस बचे हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे रखेंगे 28 28, यहाँ पे दोनों शोल्डर के ऊपर 28 28 रखेंगे। तो बीच के जो 48 स्टिचेस बचे हैं उनको हम बंद कर देंगे। लास्ट आखिर के जब आपका लेंथ फिनिश हो जाता है, जस्ट आप बंद करने से 2 सिलाई पहले ही आप ये कर दीजिएगा। सो यहाँ पे हम 28 स्टिचेस हम बुन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमने 28 स्टिचेस बुन लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 48 स्टिचेस बंद करके बाद में यहाँ पे आप 2 रोज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का अलग कर रही हूँ। ये 28 हमने बुन लिया, वापस हम यहीं से उल्टा कर लेंगे क्योंकि 1 सिलाई हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे डालना है, बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं डालनी है। तो यहाँ पे 1 उल्टी सिलाई मैं यहाँ पे कर लूँगी। इसे धागा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ये रॉन्ग साइड का रो इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है, फिर हम सीधा बुनेंगे, फिर 28 स्टिचेस हम यहाँ पे सीधा बुन लेंगे। मतलब एक ही सिलाई हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दी है बीच के स्टिचेस से। तो ये जो भी 28 स्टिचेस हैं हम बुन लेंगे। यहाँ पे 28 स्टिचेस हमने सीधी बुनाई कर ली, तो ये एक उल्टा एक सीधा, जस्ट एक सिलाई हमने ज़्यादा की है। तो बीच हम यहाँ पे 48 स्टिचेस बीच के हम बंद कर लेंगे। तो ये नेक्स्ट स्टिच एक बुना और नेक्स्ट स्टिच एक बुना और इसके ऊपर से हम इसको पास कर लेंगे। ओके, वन मिनट। इस तरह से आप पास करके भी बंद कर सकते हो, या इस तरह से वापस डाल के भी आप उल्टी बुनाई भी कर सकते हो। तो वैसे भी मैं आपको दिखा देती हूँ, या आप इस तरह से उल्टा डाल लीजिएगा और इन दोनों को मिला के ये 2, फिर वापस डाला 3, 4, 5 6, 7 इसी तरह से हम यहाँ पे 48 स्टिचेस बंद कर देंगे। 47 और ये 48 फंदे हमने बीच में यहाँ पे घटा दिए हैं। तो यहाँ पे हमें 28 स्टिचेस बचने चाहिए। यहाँ पे 28 स्टिचेस बचे हैं, तो यहाँ पे हम ये सीधी बुनाई एक रो हम कंप्लीट कर लेंगे इस साइड पे। ये जो भी 28 स्टिचेस हैं सीधी रो पे हमने कंप्लीट कर लेना है। ये सीधी राई साइड कंप्लीट हो गई है और रॉन्ग साइड का एक रो हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये रॉन्ग साइड का रो भी हम कंप्लीट करेंगे। ये रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गया है, फिर टर्न करेंगे राइट साइड पे। राइट साइड का एक रो हम पूरा सीधा बुन लेंगे। ये पूरा होने के बाद हम धागा कट कर लेंगे। आप चाहे तो अब यहाँ पे ये फंदों को बंद भी कर सकते हो। मैं फाइनली जब दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट जोड़ूंगी तो यहाँ पे मैं 3 नीडल बाइंड ऑफ का तरीके से मैं जोड़ना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फंदे बंद नहीं किए हैं। ये मैं अलग से एक नीडल होल्डर पर रख लूँगी। तो ये इस तरह से फंदे हम ये एक सिलाई दोनों तरफ हमने ज़्यादा कर लिया है, ताकि एक नेक पे जो हो आराम से राउंड आ जाए। आप देख सकते हो जस्ट एक सिलाई का यहाँ पे फर्क होता है। तो मैं इन फंदों को एक अलग से नीडल में निकाल के रख लूँगी। तो इस तरह से ये बैक का पार्ट में दोनों तरफ एक्स्ट्रा इस तरह से जो स्टिच होल्डर रहते हैं उनके ऊपर मैंने रख के छोड़ दिया है। तो इसको हम बाद में जोड़ते टाइम यूज़ होगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये गला इस तरह से एक ही सिलाई बड़ा रहता है। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस पैटर्न को। एंड मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, अलग अलग तरह के वीडियो, एक बार विजिट कीजिए। अगर आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब कीजिए। एंड लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज़। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मेरा और भी एक चैनल है, कनाडा चैनल, उसमें भी आपको अलग अलग तरह के वीडियोज़ मिलेंगे। एक बार उस वीडियो को भी, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए या विजिट करके चेक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी
कंटेंट पसंद आता है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।